सब्सक्राइब कीजिए आल टिप्स वीडियो यूट्यूब चैनल को और साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा दीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए, और यहां से दबाकर वीडियो को लाइक कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब अहमद और आप देख रहे हैं आल टिप्स वीडियो यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल में एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब फ्रेंड्स खरीद से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप अपने फेसबुक के अकाउंट का पासवर्ड भूल जाते हैं और आपको याद नहीं होता कि आपके फेसबुक अकाउंट क्या है, या अगर आपको पता नहीं होता कि आपके फेसबुक अकाउंट क्या है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने फेसबुक के अकाउंट का पासवर्ड कैसे फॉरगेट कर सकते हैं, और अगर आप अपना फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड चेंज भी करना चाहते हैं तो भी इस ट्रिक से आप अपने फेसबुक अकाउंट भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप यही सीखेंगे कि हम अपने फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली न्यू वीडियो अपलोड करता रहता हूँ जो कि तकरीबन एंड्रॉयड मोबाइल के से रिलेटेड वीडियो होती हैं और इन्फॉर्मेशन की वीडियो होती हैं, जिनसे यकीनन आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलें फ्रेंड्स, आप अपने फेसबुक को ओपन कीजिए। जैसे मैंने फेसबुक ओपन किया हुआ है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही हमारा फेसबुक जो सॉफ्टवेयर ओपन होता है उसके बाद आपके सामने यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन शो हो रहा होता है, इसके बाद नीचे यहाँ पे आपको फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन शो हो रहा है, और ये आखिर पे न्यू क्रिएट न्यू फेसबुक अकाउंट, यहाँ से आप अपना न्यू अकाउंट बना सकते हैं और ये आपके लिए लॉगिन का ऑप्शन है, यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं अगर आपका अकाउंट बना हुआ है। फ्रेंड्स, इनके दोनों के दरमियान में आपको ये फॉरगेट पासवर्ड जो है यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, इसको आपने क्लिक करना है और उसके बाद आप अपने अकाउंट का जो पासवर्ड है उसको फॉरगेट कर सकते हैं, अपना अकाउंट का जो पासवर्ड है वो दोबारा से आप लगा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसको क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आपके सामने इस तरह से अगर आपका अकाउंट जो भी अकाउंट होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा, तो आप उसको मैसेज के ज़रिए यहाँ पर आप मैसेज सेंड कर सकते हैं और आपके अकाउंट पर एक वेरिफिकेशन मैसेज सेंड होगा, वो आप इंटर कीजिए और उसके बाद यहाँ से आप अकाउंट जो है वो न्यू पासवर्ड जो है वो लगा कर आप अपने अकाउंट का पासवर्ड जो फॉरगेट कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल इसको नॉट पे सेलेक्ट करता हूँ। अगर आपका ये अकाउंट नहीं हुआ तो आप यहाँ नॉट माई अकाउंट इस पर सेलेक्ट कीजिए, और इसके बाद आप अपना जो नंबर होगा या ईमेल आईडी जिस पे भी आपने बनाया होगा उसको आपने यहाँ पर टाइप करना है। तो मैं यहाँ पर आप अपना नंबर जो है वो टाइप कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना नंबर टाइप कर लिया और उसके बाद यहाँ पे मैं फाइंड योर अकाउंट पे जो है क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने जो मेरा अकाउंट होगा वो यहाँ शो हो जाएगा। आप देख सकते हैं मेरा नंबर पे जो है वो फेसबुक की तरफ से एक वेरिफिकेशन कोड सेंड हो गया है, वो वेरिफिकेशन कोड अभी मुझे कुछ टाइम में मिल जाएगा। तो जो भी वेरिफिकेशन कोड मुझे मिलेगा, आप देख सकते हैं मुझे फेसबुक की तरफ से वेरिफिकेशन कोड सेंड हो गया है और वो ऑटोमेटिकली इसमें एंटर हो गया है क्योंकि सेम मेरी इसी मोबाइल में थी। तो इसके बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन शो होंगे, कीप मी लॉग इन, अगर आप इसी मोबाइल पे इसको लॉग इन करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, और इसके साथ ही नीचे भी ये एक ऑप्शन है लॉग मी आउट ऑफ अदर डिवाइस। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि अगर आपने अपना फेसबुक अकाउंट किसी दूसरे मोबाइल पे या किसी लैपटॉप पे या पीसी पे आपने पहले ओपन किया हुआ था तो आप उसको लॉग आउट करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे क्लिक करके इसको लॉग आउट कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे क्लिक करें और इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। तो मैं फिलहाल जो है लॉग इन कीप मी लॉग इन उस पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद कंटिन्यू। जैसे ही हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम अपना जो न्यू पासवर्ड है वो टाइप कर सकते हैं। तो जो भी हम अपना न्यू पासवर्ड रखना चाहते हैं उसको टाइप करते हैं। चले मैं टाइप करता हूँ और न्यू पासवर्ड टाइप करने के बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो चले मैं न्यू पासवर्ड टाइप करके उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। तो
जैसे ही हम न्यू पासवर्ड क्लिक टाइप करके हमने कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से आपका जो अकाउंट है वो दोबारा से न्यू पासवर्ड के साथ जो है वो लॉगिन यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप अपना अकाउंट वही पासवर्ड जो आपका जो आपने अभी न्यू पासवर्ड दिया और उसके बाद जो आपका अकाउंट है वो आपको यहाँ पे लॉगिन के ऑप्शन में आ जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करके उसको लॉगिन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने मेरा ये फेसबुक अकाउंट जो है वो लॉगिन हो गया है। तो इस तरह फ्रेंड्स आप अपने अकाउंट का जो फेसबुक अकाउंट उसका पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं, आप अपने फेसबुक अकाउंट का न्यू पासवर्ड जो है वो लगा सकते हैं जो भी आपने लगाना हो। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलें फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।